आपके कर्ली बाल है या फिर आप करते हो जी? आपको थंबनेल से तो पता चल गया होगा हम आज क्या करने वाले हैं। तो पहला जो मैं अपने कर्ली हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए जो करता हूँ, मैं पार्लर भैया पे जाने से अच्छा है मैं घर पे ही अपने बाल थोड़े थोड़े तो ट्रिम करने। बॉयज या गर्ल्स दोनों ये सभी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों के लिए है। एंड ये कटिंग मैंने खुद की, अपने बालों की कितना सुंदर किया मैंने। माय टुडे स्टोरी, मैंने ज्यादा नहीं, मैंने छोटू छोटू अपने हेयर काटे हैं, देख रहे हैं इतने आप भी हमेशा अपने घर में काट सकते हैं अपने बाल खुद ही से। अगर यही बाल मैं सलून में काटता हूँ मुझसे 500 रुपए लेते हैं, इससे बढ़िया घर में खुद ही काट दो, है ना? मैंने काट दिया, इट्स डन। हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो आर्थियंस। होप सो आप सब मस्त होएगा, गजब होगा, मजे में होएगा। एंड आजकल आपकी जून की छुट्टियां, आप कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। ओके आर्थियंस, थैंक यू सो मच फॉर 300K, मीन्स अ लॉट। 700K बाद यहाँ पे गोल्ड बटन होएगा आर्थियंस, एंड मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। मतलब दिल से शुक्रिया, आप इतना साथ देते हैं। कोई नहीं, अभी मेरे इतने अच्छे व्यूज़ भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना मेहनत 100% दूंगा, क्योंकि कोई नहीं, मैं बिलीव करता हूँ खुद पे कि कहीं ना कहीं जो मेरी चीज़ें मैं करता हूँ, जो मैं चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ, हर चीज़ कहीं ना कहीं कोई से शहर से कोई मुझे देखता होगा तो उसको पक्का मतलब अपनी लाइफ से रिलेटेबल लगता होगा। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी भी चीज़ें होती है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपके फेस पे हमेशा एक स्माइल लाता रहूँगा, चाहे मैं अंदर से कितना भी दुखी हूँ ना, मेरी स्माइल का रीज़न असली में वो है जिन्होंने मुझे इतना पैम्पर करके रखा है। लेकिन मैं कभी गलत राह पे नहीं जाऊँगा, आई प्रॉमिस आपसे भी और मेरी मम्मी लोगों से भी। ओके ओके, वीडियो को आगे करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलना होता है क्योंकि ज़्यादा बर्बर करूँगा तो आप भी बोर हो जाओगे, मुझे पता है सब बोर होते हैं यार। ओके आर्टियंस, मेनी ऑफ यू आस्किंग आपके कर्ली बाल है या फिर आप करते हो। तो पहला बात, मेरे ना देखो कर्ली बाल है, मेरे ऊपर से स्ट्रेट है, नीचे से वेवी है। तो इसको हेल्दी रखने के लिए मैं ऐसे 5 स्टेप्स क्या क्या करता हूँ मैं अपनी आर्टियंस से ज़रूर शेयर करूँगा। तो पहला जो मैं अपने कर्ली हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए जो करता हूँ वो चीज़, चलो हम साथ में चलते हैं पहले उसके पास। तो देखो पहला स्टेप तो ये है, आप अपने बालों में नीचे से हल्का हल्का कट करवा सकते हो, कटिंग करवा सकते हो, मतलब आप घर में भी कर सकते हो। मैं तो बार्बर भैया पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब छोटे 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 वाले होते हैं ना बाल, वैसे करवाने हैं। तो चलो हम साथ में फर्स्ट टाइम वो ही करके आते हैं, फिर चलो साथ में लेट्स गो। सो आर्टियंस, मैंने सोचा इतनी धूप में बार्बर भैया पे जाने से अच्छा है मैं घर पे ही अपने बाल थोड़े थोड़े तो ट्रिम करने हैं नीचे से, मतलब जो दो मुहे हो रखे हैं तो मैं घर में खुद ही करूँगा। एंड मैं कुछ स्टाइल से करने वाला हूँ, अगर आप भी करना चाहते हैं मैं आपको भी दिखा दूंगा, अगर आपका मन हो तो आप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सीजर और मतलब दो चार रबर चलेगा, तो आप शेप दे सकते हो जिसको यहाँ से, मतलब जैसा आपको चाहिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ, रुको। सबसे पहले मैं अपने बालों को हेयर टेंगल करूंगा, मतलब सुलझाऊंगा थोड़े। पता है कर्ली बालों में जितनी बार कंघा करो ना, लगता ही नहीं है तुमने कंघा किया होगा, है ना? आपके भी ऐसा होता है? आप चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे हो हमारे यहाँ पे? म्या, 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 म्या। वैसे ना मैं चिड़ियों जैसा मुंह बना सकता हूँ, दिखा बनाता हूँ, देखो ये मैं हूँ चिड़िया, मैं इसकी आवाज निकाल सकता हूँ, म्याऊ ऐसी बनाती रहे चिड़िया अपने मुँह कुछ। देखो आर्टियंस, मैं तो हमेशा लाइक बीच की मांग ही रखता हूँ, तो पहले आप जो भी मांग निकालते हैं आप वैसी बना सकते हैं, मेरे जैसा मत करना, कहीं खराब हो गया तो आप मेरे को बोलेंगे लाइक मेरे कारण हुआ, ऐसा मत करना प्लीज। हाँ देखो, मैंने ये इतना पूरा पोर्शन ये इतना ले चुका हूँ मैं, ठीक है? अभी हम इसको रबर से टाई कर रहे हैं, ओके? फिर हम सेकेंड साइड भी सेम करेंगे, फिर तीसरी डाइट भी मैं सेम ही करने वाला हूँ। देखो बीच की मांग निकालने का सोच रहा हूँ मैं पीछे से, अब देखो इस साइड भी मैं दो पोनी बना रहा हूँ सेम सेम, तो आप देख सकते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैं रबर पोनी बांधूंगा सेम एज इट, मैं दूसरी साइड कर दूंगा ताकि मुझको ईजी रहे, मतलब समझ आता है कैसे करके मुझे काटना है ना। ओ भाई क्या लग रहा हूँ मैं। अब हम ऐसे अपने बाल काटने वाले हैं। ओके आर्टियंस, ये तीन मैंने बना लिए हैं, अभी हमें ये फुसफुस वाला यूज करना है, कुछ भी हो। और देखो
पहले मुझे अब आगे का देखना है कितना मुझे लेंथ करना है, क्योंकि मेरे नीचे के रफ रफली हो रहे थे ना, इससे हमारे जो डिटैंगल वाले बाल होते हैं वो कट हो जाते हैं, फिर तुम्हारी अच्छी ग्रोथ होती है बालों की। पहले अब मुझे ना नीचे के ना अपने देखने हैं कितने गंदे गंदे वाले, ये सारे दो मुए मेरे, पता है आपको ये। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग काट रहा हूँ, अगर आप भी कट करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग काटिएगा, ओके? जो आपको लग रहा है नीचे नीचे दो मुहे टाइप समथिंग गंदे गंदे वाले। और मैं कितना फनी लग रहा हूँ यार ये करते हुए, पर यार क्या बोलते हैं ना, कर दिया बस मैंने, मैं हमेशा ही करता हूँ। अब मैं इसमें ऐसे फोल्ड करके दो मुहे देख रहा हूँ, फिर इसको साइड साइड जो छोटे छोटे निकल रखे हैं ना दो मुहे उन्हें कट कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं, पता भाई गढ़वाल में बोलते बॉलिया बॉलिया नहीं लग रहा, तो पागल पागल बच्चा। चलो आप ही कमेंट से बता देना है। वैसे टर्न आउट बहुत अच्छा होने वाला है, देखो ओ वाओ, मैंने कहा था देखो ये बेबी बेबी में कट जाएगी, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप तो मेनली अपने बालों के लिए यही होता है कि आप अपने बाल खुद से ही नीचे से छोटे छोटे काट दें। सेकंड स्टेप मैं तो शेयर करूंगा इसके बाद, जी टिप फरमाए हेल्दी हेयर कर्ली कर्ली बालों के लिए, जो मैं करता हूँ, सॉरी कैमरा ढंग से करता हूँ, ओके दैट इज ऑयलिंग। मैं हर हफ्ते में एक बार ऑयलिंग जरूर करता हूँ। एंड आर्टिस्ट मुझे आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना है, बॉयज या गर्ल्स दोनों ये सभी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों के लिए है। तो आर्टिस्ट मुझे आप सबसे यूज करना है, जब आप रात में ऑयलिंग करते हैं सुबह बाल धुलते हैं आपके ज्यादा बाल झड़ते हैं ना, और सेकंड जब आप अपने बालों को सिर्फ आधा घंटे पहले तेल ऑयलिंग करेंगे उसके बाद धुलेंगे तो ज्यादा बाल नहीं टूटते हैं। मतलब मैंने ये चीजें नोटिस की है अपने साथ, आपके साथ ऐसा होता है मुझे कॉमेंट्स में बताना, ठीक है। सो आर्टिस्ट सेकेंड मैं करता हूँ बालों में ऑयलिंग, मैं आपको बताने वाला हूँ मैं कौन से ऑयल यूज करता हूँ। देखो मैं ऑलिव के साथ थोड़ा मिक्स करता हूँ कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल ना बहुत चिपचिप सा होता है तो इसको एकदम तो नहीं लगा सकता, इसलिए मैं ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करता हूँ उसको, और एक छोटू सा इसको इसकी ड्रॉप डाल देता हूँ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की, एक दो ड्रॉप डाल के मैंने मिक्स करके एक छोटू सा बोतल बनाया है, जिससे मैं अपनी बालों में ऑयलिंग की मसाज करता हूँ। बालों में तेल लगाने से पहले हमेशा कंघा करना मैंने कर दिया है, ये लिया मैंने हल्का हल्का यहाँ पे डैब डैब ऐसे करके हल्का हल्का लगाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा तेल लगाने से ऐसा नहीं तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, कम लगाओ चम्पी अच्छे से करो ऐसा। आपको पता है डब्बू भैया भी मेरी ये हेयर केयर टिप यूज़ करता है, इसलिए बॉयज आप भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कभी कभी पता है जब मेरे बाल वगैरह बड़े टूट रहे होते हैं ना, मैं बताऊँ कैसे बात करता हूँ, यार इतना मत टूट यार मैं अच्छा नहीं लगूंगा यार तेरे बिना, मैं ना कभी कभी अपने बालों से भी बात करता हूँ, ये बेवकूफ़ी नहीं है बट मुझे पसंद है, मतलब कभी कभी बात करता हूँ, इतना मत झड़ो यार मुझे बुरा लगता है खुद से बात करता हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मैं अपने बालों से बहुत प्यार है मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा, हमेशा अपने हेयर टू यहाँ पे भी हमेशा यूज़ करना, ठीक है, ऑयलिंग। चलो अच्छे से मैंने मसाज कर दिया है, अब अच्छे से एकदम नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, टिक टिक टिक, इट्स डन मतलब इट्स डन बाय। ओके आर्टिस्ट इट्स डन, अब मैं सिर्फ आधे घंटा छोड़ दूंगा उसके बाद मैं फटाफट वॉश करता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको थर्ड अपना बताता हूँ क्या मैं यूज करता हूँ अपने बाल। क्या करता है आधे घंटे में, मैं आपके साथ ही मस्ती करने लग गया फिर कुछ ना कुछ कर ही रहा था, पता नहीं, ये देखो मुझे अमेजोन की तरफ से ना पहली बार चेक आया वो भाई। आधा घंटा ओवर हो चुका है, थर्ड स्टेप जो मैं अपने बालों के लिए करता हूँ दैट इज फिक्स माई कर्ल का शैम्पू, साथ ही साथ उसका कंडीशनर मैं यूज़ करता हूँ, एंड ये मुझे एक मंथ हो गया यूज़ करे हुए, मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। फिक्स माई कर्ल, देखो मैंने अपने कर्ल्स वालों के लिए उसके हिसाब से मंगाया है, तो ये मेरे बालों में काफ़ी ऐसा सूट होता है। तो चलो मैं फटाफट अपने हेड वॉश करके आता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, ओके। बाय द वे मुझे कमेंट्स में बताना आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और मुझे क्या क्या सही करना चाहिए मुझे बताना, ओके बता के जाना, अब मिलता हूँ मेरे को थोड़ी देर। हाँ, मेरी मम्मी की हमेशा यही क्वेश्चन रहता है, हमेशा तूने बाथरूम में लाइट बंद कर दी, क्योंकि मैं क्या कहता हूँ हमेशा नहीं जाते। सो ऑडियंस एक अच्छी चीज़ बताऊँ, अगर आप कभी भी नहा के आ रहे हैं प्लीज़ टावल से ना ऐसे
ये कभी नहीं छिड़कना चाहिए, हमेशा ये करो प्यार से, जैसे हम अपनी स्किन को बड़े प्यार से मॉइस्चराइजर करते हैं ना, वैसे इसको टॉवल से बड़े प्यार से ऐसे से करना है, क्योंकि बेचारे इतने सॉफ्ट होते हैं ना। हाँ चलो आर्टेंस, और लास्ट आर्टेंस वर्ड आई यूज कभी कभार के लिए, जैसे कभी मुझे फंक्शंस शादी वादी में जाना होता है तब, अरे मेरे क्या लेडी सा लग रहा हो रही अभी तो आई यूज फिक्स माई कर्ल का, ये होता है लाइक जेल शीड। और आर्टेंस ये कोई मैं वो नहीं कर रहा हूँ पेड प्रमोशंस वगैरह, ये मैं खुद से यूज़ करता हूँ, मैंने खुद के पैसों से ले रखा है, तो मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बोल देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा पेड प्रमोशन कर, नहीं। काफ़ी आर्टेंस की रिक्वेस्ट थी अपने बालों का ट्यूटोरियल। अब आर्टेंस ये ना नॉर्मल ऐसे लगा देना, ताकि तुम्हारे ये प्यारे से कर्ल तो हैं लेकिन ये और प्यारे से हो जाए, समझ गए आप। इट्स perfectly और imperfectly done. Okay, last tip आज की वीडियो की fifth ये है, fourth तो मैंने आपको बता दिया, फ्लैगशिप में यूज करता हूँ अपने बालों के लिए दाट, उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, लाइक को बंद करो, चलो मेरे साथ। और लास्ट सजेशन मैं दूंगा आपको दैट कभी भी आप जब बाल वगैरह वॉश करते हैं ना, तो जैसे सनलाइट है ना, इसके मदद से लाइक सुखाएं, अगर आप ड्रायर वगैरह हर वक्त यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी आपके काफ़ी ये जो ये निकलते हैं ना बालों के नीचे दो मुहे रफ वगैरह, इन सब चीज़ों से ज़्यादा होता है मुझे ऐसा लगता है। तो मैं थोड़ा धूप में अपने बाल सुखाऊंगा, उसके बाद लास्ट में आपको दिखाता हूँ कैसे लगते हैं मेरे बाल। ओके चलो ठीक है, मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। सनलाइट लो, कितना मज़ा आ रहा है, यहू। अब आप देख सकते हैं मेरे बालों का फाइनल लुक, कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो नेचुरली है, कुछ भी मैंने ऐसा हीट कलर वगैरह कुछ यूज नहीं किया, आप देख सकते हैं आपके सामने प्रूफ है। एंड मैंने आपको जो 5 टिप्स अपने बालों की घर की रेमेडी शेयर की है, आई होप आपको पसंद आए हो, आप भी यूज कर सकते हैं, नेचुरल है सब, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, मैं खुद से 100% बोल सकता हूँ। बस शैम्पू को छोड़ के, शैम्पू मुझे नहीं पता आपके बालों में यूज हो, मतलब वो आपके बालों में लाइक, मतलब समझ गए ना आप, समझदार हो आप काफी मेरी ऑडियंस यार। तो ओके आर्टेंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, एंड यस आर्टेंस वन मोर थिंग, शुक्रान फॉर 300, ये आई लव यू ऑल, यू नो आई लव यू ऑल, दिस में नो डाउट, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, वाओ। ये दिल जब मिलता है ना तो उसको बोलते हैं प्यार, वो मुझे आपसे और हाँ मैं अभी अपनी मम्मा को ना राइड पे लेके जा रहा हूँ सेंडो में, तो उसका तो मैं क्या ही व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मेरे को अपनी मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, तो फोन इस टाइम बंद ही रहेगा। ओके लव यू ऑल, एंड यस आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर दे, आरती चौधरी 1056, वहाँ पे भी बहुत जल्दी हम अच्छा अच्छा करेंगे, हर जगह हम अच्छा अच्छा ट्राई करेंगे, हर चीज़ देखो धीरे धीरे ही होती है, तो सब अच्छा होगा, यस। ओके लव यू ऑल, अभी 300 है, एक दिन 1,000,000 भी होंगे आर्टिंस, और आप ही वो जो मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, उसके लिए धन्यवाद दिल से आपका, एंड लेट्स गो, मुझे कमेंट्स में बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। ओके बाय द वे, आपको कर्ली हेयर ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर स्ट्रेट है? मैं तो कर्ली हेयर वाली हूँ, भगवान ने जो मेरे को दिया ना मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ उसमें, धन्यवाद गॉड जी। ओके बाय, लव यू ऑल, एंड यस कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना ओवर एक्टिंग के, तुम्हें क्या आ रहा है भाई, जो तक गंदे कमेंट्स करते हैं उनको बोल रहा हूँ मैं, आपको नहीं आती, ये तो लव है। ये कटिंग मैंने खुद की अपने बालों की, कितना सुंदर किया मैंने।